मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज खान अपने पहले पॉडकास्ट इंटरव्यू के बाद अब बाकायदा तौर पर एक्टिव हो गए हैं। एक बड़ा इंटरव्यू भी दिया और फिर उसके बाद लाहौर बार एसोसिएशन की तकरीब में शामिल हुए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मईशत का ऐसा तकाबली जायज़ा पाकिस्तानियों के सामने रखा कि इमरान रियाज खान की इस तकरीर ने एक बार फिर बड़ों बड़ों को परेशानी में डाल दिया है। इमरान रियाज ने कहा कि आप अपने तरीके से हमारी आवाज़ बंद नहीं करवा सकते, ये हमारे पास आईनी और कानूनी हक है। हमने गुज़िश्ता 75 साल में मिस्त्री बदलने की कोशिश की लेकिन कभी कानून और आईन पर अमल करने की कोशिश नहीं की। अफगानिस्तान जो मुसलसल दो दहाइयों तक जंग में रहा, आज जब वो जंग से निकला है तो एक अफगानी रुपया 4 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गया है। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर आईन कानून और इंसाफ हो तो मईशत कैसे ऊपर जाती है, खा आपने 20 साल जंग ही क्यों ना लड़ी हो। इमरान रियाज खान ने लाहौर बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब करते हुए क्या कहा, पहले ये वीडियो देखिए, फिर आपको इमरान रियाज खान के इलेक्शन लड़ने के हवाले से भी तफसीलात बताते हैं। अफगानी हमारे 4 रुपए का हमें लगता है लोग बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं जंग हुई तो बर्बाद हो जाएंगे। भाई वो तो 20 साल जंग लड़के निकला, 4 रुपए का एक अफगानी है, अफगान भी आगे निकल गए, बंगाली भी आगे निकल गए, इंडियन भी आगे निकल गए। हम मिस्त्री बदलते रहे इस मुल्क में, अफसोस है, ठीक कह रहे हैं उमर भाई, बहुत अफसोस है। एक दफा सिर्फ रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करके देखे इस मुल्क में। मेरी बात अगर गैर कानूनी है, गैर आईनी है, ट्राई करें मुझे जेल में डालो, ऐसे तो नहीं। तकरीब में वीडियो के बाद इमरान रियाज खान सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंच गए, जहां उनसे वहां मौजूद मीडिया नुमाइंदगान ने यह सवाल किया कि क्या आप भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो इस पर इमरान रियाज खान की जानिब से कहा गया कि नहीं, मैं इलेक्शन तो नहीं लड़ना चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों, साफ शफाफ इंतखाबात जिस पर कोई सवाल ना उठा सके। लेकिन अगर एक जमात को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए बल्ले का निशान भी वापस ले लिया जाए, नाहली भी की जाए और यहाँ तक के कागजात नामजदगी हाथ से छीन लिए जाएं, तो फिर सवाल तो ज़रूर उठेगा कि ये इलेक्शन आखिर कैसा इलेक्शन है। इमरान रियाज खान ने कहा कि बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ, टीवी स्क्रीन पर तो फिलहाल नहीं आऊँगा लेकिन अपने चैनल पर वीलॉग बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ।